हाय दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। हाय दोस्तों, मैं विंदर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं, जो मैंने एक वीडियो बनाया था पहले भारत पेटीएम के नाम से, उसमें किस तरीके से रजिस्ट्रेशन किया जाता है, क्योंकि उसका आईडी और पासवर्ड हमें मिल चुका है। तो ज़्यादा समय ना लेते हम वीडियो शुरू करते हैं। हम यहाँ पे दोबारा से ओपन कर रहे हैं इसको और एक बार दोबारा से यहाँ पे ऐसे वीडियो चलेगी जैसे पहले चल रही थी। और हमें फिर दोबारा से यहाँ पे गेट नमस्कार स्टार्ट दोस्तों, बुक मैं हूं करना कि है, गेट स्टार्ट बुक दोबारा से नंबर डालना, क्योंकि हमारी जो आईडी है और उसमें 10 से 15 मिनट लगते हैं। सो मैंने वीडियो को थोड़ा स्किप किया है और मैंने दोबारा से इसको वेरीफाई कर देते हैं। वेरीफाई करने के बाद में, क्योंकि हर बार आपको जैसे कि लॉग इन किया उसके बाद आपको लॉग आउट कर देना कि आपकी जो इसको यूज ना कोई कर पाए, यहाँ पर अलाउ कर देते कंडीशन को। करने के बाद में वेरीफाई कर देते हैं क्योंकि ओटीपी आ चुकी है। देखिए अब यहाँ पे दोबारा से वही सेम आ चुकी है प्रोसेस, क्योंकि एक बार जब आईडी बनती है तो आपको एक बार ऑटोमेटिक लॉग इन पर ले जाता है, आपको दोबारा से लॉग आउट कर देता है और लॉग इन तो गो टू डैशबोर्ड पर जाते हैं। अब यहाँ पर हम आपको सब चीज़ें बता देते हैं क्योंकि पार्ट वीडियो का सेकेंड है, तो इसमें हम बता देते हैं कि हमने जो पहली कंडीशन में रखी थी हमने बताया था कि अब इसमें देख लीजिए जो बिजनेस है वो आपका करंट बैलेंस 0 है, मई अर्निंग वो भी 0 है, और उसके बाद यहाँ पर भारत क्रेडिट कार्ड है जो वो भी। हम सबसे पहले देखते हैं, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे इस तरीके से, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई नीचे आप लोग देख सकते हैं, और हम थोड़ा इसको यहाँ पे ओके करते हैं एक बार, और यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा कोई भी, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इनबॉक्स में। उसके बाद लिखा हुआ है नमस्ते, मेरा नाम देवविंदर सिंह और यहाँ पे प्राइम मेंबर लिखा हुआ है, और मतलब ATM आईडी जो दी हुई वो आईडी यहाँ पे दी हुई आपको दिख जाएगी इस तरीके से। और यहाँ पे जाएंगे साइट में कॉर्नर में ही यहाँ पे मित्रा शॉप लिखा हुआ है। उसके बाद प्रोफाइल बिजनेस, यहाँ पे आप अपना बिजनेस वगैरह वो आप सब चेक कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल में कि आपने क्या क्या डाला हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप किसी को शेयर भी कर सकते हो, और उसके बाद यहाँ पे कमीशन उसको चेक कर सकते हो, बैंक अकाउंट है वो उस डिटेल को आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर कोई यहाँ पे भी कोई भी बैंक डिटेल नहीं दी हुई तो यहाँ पे हम बैंक डिटेल को एक बार सबमिट कर देते हैं, तो हम अपना अकाउंट नंबर डाल देते हैं यहाँ पे। हमने यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डाल दिया है और IFSC को डाल देते हैं। ठीक है, डालने के बाद में यहाँ पे बैंक डाल देते हैं, पंजाब नेशनल बैंक। और उसके बाद UPI ID है तो आपकी आप कोई डाल सकते हैं, नहीं है तो यहाँ पे मैं लिंक अकाउंट पर कर दें, यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा ये थोड़ी सी देर में। तो यहाँ पे लिखा चुका है योर बैंक अकाउंट सक्सेसफुल रजिस्टर्ड, ओके कर देते हैं। थोड़ा पीछे चलते हैं, डैशबोर्ड पे आ चुके हैं, फिर दोबारा से ओके करते हैं। और यहाँ पे अच्छा खासा देखिए, यहाँ पे फिंगर, यहाँ पे फेस आईडी भी दिया हुआ है, फिंगर भी दिया, दोनों अलाउड हैं। और यहाँ पे कमीशन फीस आप देख सकते हैं कि कितना कमीशन दिया जाता है निकालने पे, विड्रॉ करने पर, डिपॉजिट करने पर, सब चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। दूसरी बात, यहाँ पर अपग्रेड करना चाहते हो आप इसको तो आप अपग्रेड भी कर सकते हो, क्योंकि ये भी फ्री में हो रहा है अपग्रेड, इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा। पीछे कर लेते हैं थोड़ा, यहाँ पे रेफ़ल कोड आप डाल सकते हैं, और रेफ़ल कोड जब डालोगे आप तो इसमें कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। तो यहाँ से हम बैक कर लेते हैं, बैक करने के बाद में फिर दोबारा से हम डैशबोर्ड में आ चुके हैं। और इसमें जैसे कि मैंने बताया था कंडीशन दी हुई है चेक करने की, तो हम इसको स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर ओपन मेन्यू, उसके बाद ये जो दिया हुआ है यहाँ पे विड्रॉ मनी गेट मनी स्टेटमेंट चेक के बैलेंस, यहाँ पे आप चेक बैलेंस पे आप सबसे पहले बैंक को सिलेक्ट करेंगे जिसका बैंक है, उस तरीके से पंजाब नेशनल है तो PC है। आप यहाँ पे सर्च है, ऊपर सर्च का ऑप्शन दिया होता है यहाँ पे, तो पंजाब नेशनल बैंक, ग्रामीण बैंक, तो यहाँ पे सभी आ जाएंगे। और जैसे कि आ चुका है यहाँ पे टिक करेंगे, और एंट्री ट्रांजेक्शन यहाँ पे आपको सिर्फ आधार नंबर डालना है, आधार नंबर डालना, प्रोसीड पर ओके करना है, और आप चेक कर सकते हैं। पीछे चलते हैं क्योंकि मेरे पास अभी
मैट्रिक नहीं है इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ। और ये पार्ट टू था, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आशा करते हैं आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, ऐसे ही प्यार बनाए रखें। धन्यवाद। हाय दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो।